खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। गांव पचोड़ा ब्लॉक मैरोनी जिला ललितपुर। गांव पचोड़ा में कम से कम 2 साल से लाइट नहीं आ रही। लाइट को लेकर के लोग बहुत परेशान हैं और कई तरह की शिकायत भी कर चुके हैं, जैसे चौपाल में, मंगल दिवस में, और विद्युत विभाग को भी दरखास्त दे चुके हैं और अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। लाइट ना होने के कारण लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करने पड़ रहा है। लाइट बिजली आ नहीं रही है जी। 2016 में टूट गई थी आंधी तूफान की वजह, जब से कोई सुधरवा नहीं है। चौपाल भी लगी थी यहाँ पर, DM साहब को शिकायत भी हुई थी, लेकिन जब भी लाइन नहीं जुड़वाई गई थी। और बिल के लिए आते हैं जी लोग, परेशान करते हैं। लाइट को लेकर के जैसा कि बताया कि फसल को नुकसान सबसे ज़्यादा, समय से पानी न मिलने के कारण। उसके अलावा घरों में ज़्यादातर समस्या पानी की हो जाती है लाइट ना होने के कारण, क्योंकि हैंडपम्प में पानी निकलता नहीं है। जहाँ भी जिसके यहाँ सबमर्सिबल या बोर हैं तो उसमें बिना लाइट के पानी नहीं आता है। दूसरी बात कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। तो पढ़ाई को लेकर के किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? मैम, हमारे पढ़ाई को लेकर हमारे यहाँ पर ना बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारे फ्यूचर पर, क्योंकि हम 12th की क्लास में हैं, यानी मान लिया जाए तो हम लोग रात में ही तैयारी कर पाते हैं उसकी, और दिन में तो कई कामों में बिजी रहना पड़ता है, और रात में तो और लाइट नहीं आती तो उससे हम लोग पढ़ नहीं पाते। उससे हमारे फ्यूचर पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और हमारे आने वाले कल पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो TV वगैरह होती है वो आप लोग कैसे चला पाते हैं? वो अभी नहीं हम चला पा रहे हैं। हम लोग ने कोई चुनाव की न्यूज़ मिल रही, ना कोई जो नए नियम कानून सरकार बनाई, ना वो कानूनों के बारे में कुछ जानकारी मिल रही, कोई जानकारी। मोबाइल व्यवस्था है तो उसमें चार्ज की परेशानी है, चार्ज नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। आप लोगों ने कभी मांग की है इसकी? हाँ, यहाँ से हम लोगों ने 2-3 बार कई मांग की है, लेकिन हम लोगों के यहाँ पर ना DM SDM यहाँ पर चौपाल लगती है, तो ग्राम पंचायत के लोग, पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ हम लोगों ने मांग भी की है। इस पर इसका कोई हम लोगों का कोई प्रॉफिट नहीं मिला, हम लोगों को मांग करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। 1-2 बार की उन्होंने बोल दिया कि हाँ हो जाएगा, लेकिन अब कुछ भी नहीं हुआ। लाइट जी है कि वहाँ कनेक्शन तो है सब लोगों के, तार बिगड़ चुके थे लेकिन वहाँ इक्वाल फूट चुकी थी, तो मैंने लाइट वाले भी कई बार सूचना करी, दरखास्त भी दी, तो बिल्कुल कोई तार डालने नहीं आती, इसलिए वो लाइट नहीं आ रही है। भाई लाइट विभाग को सूचना कर देते हैं, नंबर भी लगाते हैं, वो लोग कहते हैं आ रहा है लेकिन फिर नहीं आते हैं वो लोग। आपकी तरफ से किस तरह का प्रयास किया जा रहा है? हमारी तरफ से पूरा प्रयास है, पावर हाउस जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि भाई जोड़ दो तार। अब वो लोग कहते हैं पैसे ले आओ पहले, जब इसके बाद कुआल ले आएंगे तब डालेंगे हम लोग। लोगों का कहना है कि हम कई बार शिकायत भी कर चुके हैं और 2 साल से बराबर मांग भी कर रहे और आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिसकी जानकारी लेने के लिए विद्युत विभाग आए तो जानकारी देने से साफ मना कर दिया है। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।